वेलकम बैक टू माय चैनल बॉर्न हंगरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे मुर्ग मसलन, नवाबी मुर्ग मसलन। इसके लिए हमें सबसे पहले लेना है दो चिकन, डेढ़ केजी का हमने चिकन लिया है। उसमें हम सबसे पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून ईच, और दो नींबू का रस हमने डालना है इसमें। ये फर्स्ट मैरिनेशन होगा हमारा। इसको अच्छी तरह से इसमें चीरा ज़रूर लगाएंगे, जहाँ पे मीट वाला पार्ट होता है वहाँ पे। और 1 कप दही लेंगे, ये मेरा घर का जमा हुआ दही है, कोशिश करें दही का पानी ना हो। और नमक डालेंगे हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको नमक पसंद है उतना आप नमक डालिए इसमें। अब इसको अच्छी तरह से इसमें रब करेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको, अंदर बाहर पूरा अच्छी तरह से मिलाना है। जब ये मिक्स करके इसको हम लोग आधे घंटे के लिए फ्रिज में डाल देंगे, पूरा अंदर भी इसका मसाला इसमें लगाएं। जितना अच्छी तरह से ये मैरिनेट होगा उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। देखिए इसी तरह से कट लगाना है ब्रेस्ट पे और लेग पीस पे, लेग साइड पे। इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में डाल देंगे। इसके बाद हम कुछ नट्स है, मगज़ 1-1 चम्मच इक्वली लेना है, तिल मगज़ है और पोस्ता है और चिरौंजी है। इसका हम लोग ब्राउन करके, लाइट ब्राउन करके इसका हम लोग फाइन पेस्ट बना लेंगे, इससे अच्छा नटी फ्लेवर आएगा। और ये ब्राउन अनियन का पेस्ट है, 2 प्याज का हमने पेस्ट बनाया है। और ये कुछ ड्राई स्पाइसेस है, काली मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। गरम मसाला पाउडर क्वांटिटी और सब बाकी सब हम डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर लेंगे। ये रेड चिली पाउडर है, हमने रेड चिली और कश्मीरी चिली दोनों का यूज़ किया है, इससे अच्छा कलर आएगा। और टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, बस इतना डालना कि एक अच्छा सा कलर आए, बहुत थोड़ा सा 1/2 टीस्पून। ये कश्मीरी मिर्च है, नमक तो डाला हुआ है। अब इसको हम अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे सेकंड मैरिनेशन। और इसको मैरिनेशन करके भी फिर हम लोग आधा घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ देंगे। और इसके बाद हम इसमें अब
पुदीना डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि पुदीना से इसका अच्छा इससे फ्लेवर आएगा, खुशबू भी अच्छी आएगी। और ये थोड़े से सैफ्रन डालेंगे, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और एक अच्छा सा इसका कलर भी आएगा। फ्यू ड्रॉप्स हम लोग केवड़ा एसेंस डालेंगे। अब नवाबी मुहम्मद सल्लम है तो एकदम नवाबी की तरह बनाना होगा इसको। अभी इससे इतने अच्छे से खुशबू आने लगी है, इसको उलट पुलट करके अच्छे से मिक्स कर लें ताकि फ्लेवर सब जो है एक दूसरे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें स्टफ करेंगे, ये कुछ ड्राई नट्स है, इसमें आप पुदीना मिलाएं, आपको जो भी नट्स यूज़ करना वो यूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें बादाम, काजू, किशमिश यूज़ किया, थोड़ा चिरौंजी और कुछ फ्राइड अनियंस है और ये खोआ है और अंडा, इसमें अलग से हमने अंडा बॉईल करके रखा हुआ है और चिकन के कुछ हमने छोटे छोटे मीट बॉल बनाए हुए हैं जो उसके पेट चिकन मुर्गी के पेट में जाएगा। पहले अंदर में खोआ डालेंगे, वो जो खोआ का मिक्सचर हमने बनाया है, नट्स और खोआ का मिक्सचर जो बनाया उसको डालेंगे पहले, उसके बाद अंडा डालेंगे और मीट के छोटे छोटे बॉल है वो डालेंगे। तो इसको हम एक स्क्रू से, लकड़ी का जो आता है उससे हम इसको ये कर दें, आप चाहें तो थ्रेड से बांध भी सकते हैं, बस ये छोटे छोटे लकड़ी के सीख थे उससे हमने इसको क्रॉस करके इसको लगा दिया ताकि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर ना आए। इसी तरह से हमने दोनों चिकन को ऐसे कर लिया है। इसी तरह से दूसरे वालों को भी हम इसको तिनके से, स्टिक से इसको बंद कर देंगे। अब एक डेगची में घी डालेंगे, प्योर घी मतलब अराउंड 3-4 से 5 चम्मच टेबलस्पून, और उसमें हम ये मुर्गी मसल्लम को डालेंगे तेज़ आंच पे पहले, और जो बचा हुआ मसाला हुआ है मतलब काजू बादाम का जो स्टफ में हम लोग डाले थे स्टफिंग में, वो सब ऊपर से डाल देंगे। ये सब ऊपर से डाल देंगे इसको, और नीचे एक मोट और इसको एल्युमिनियम फॉइल से हम कवर कर देंगे ताकि इसका स्टीम इसके अंदर ही रहे। आप चाहें तो आटे का भी सील कर सकते हैं, और नीचे एक मोटा तवा रख देंगे
तक, और इसको 1 घंटे के लिए हम लोग उसको दम पे रखेंगे। तो धीमे धीमे आंच पे एक बार फ्लेम को फुल करेंगे, उसके बाद उसको फ्लेम को कम कर देंगे। एक बार फुल हो जाएगा उसके बाद कम कर देंगे। देखिए हमारे घर की मछलियाँ हैं, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी हो जाए। जब तक वो दम पे है एरवाना फिश है, ये भी कॉकरोच को खाएगी। ये भी देख ली है इरवाना, ये शिकार कर ली। ये 1 घंटा हो गया है, अब हम उसको खोल के देखेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, वाह। ये कैसे इसका रोगन छूटा है। अब इसको हम लोग 2 चम्मच के, मतलब एक अच्छे से चौड़ा चम्मच जो होता है उसके मदद से हम इसको निकालेंगे, प्लेटिंग करेंगे। सर चौड़ा चम्मच हो, क्योंकि इतना अच्छी तरह से ये गला हुआ है कि हड्डी छोड़ दिया है। ये मुर्ग मुसल्लम बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और इसके ऊपर जो ग्रेवी है उसके ऊपर से थोड़ा सा जूस सब डालेंगे हम ग्रेवी। ये देखिए इसकी ग्रेवी है, जूस, रोगन जो बोलिए, इतना खूबसूरत कलर है। ज़ाफ़रान अपना अलग कलर छोड़ा है, और केवड़े की अलग खुशबू आ रही है, ज़ाफ़रान की अलग खुशबू आ रही है। इसे घर में ज़रूर ट्राई करिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन बताएं दबाना ना भूलें। इस पे हम एक चांदी का वर्क भी लगा देंगे, इससे और नवाबी मुर्ग मसल्लम जो और नवाबी हो जाएगी। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप। और रुमाली रोटी के साथ इसे खाना खाएं, मुर्ग मुसल्लम का मज़ा लें। थैंक यू।